वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांग सोच अपनी अपनी। इस पाठ का साहित्य प्रकार है वाद विवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का अभ्यास करने से पूर्व हम वाद विवाद किसे कहते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। अर्थात किसी भी विषय के पक्ष में यानी कि उसके सकारात्मक पक्ष में और विपक्ष यानी कि उसके नकारात्मक पक्ष में, विरोध पक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं? वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। मतलब कि वाद विवाद दो व्यक्ति या दो समूहों के बीच होता है जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है, जिसमें व्यक्ति अपने विचार मौखिक रूप से रखता है, उसमें चर्चा होती है, विचारणा होती है, अपने विचारों को आमने सामने लाया जाता है। तो यह एक मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत ही प्रभावशाली रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, मतलब कि एक विषय निश्चित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि एक निश्चित विषय चुन लिया जाता है और फिर कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में बात करते हैं और कुछ विद्यार्थी उस विषय के विपक्ष में, मतलब कि विरोध में बात करते हैं और अपने अपने विचार श्रोताओं के सामने रखते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में, मतलब कि एक पक्ष में बोलता है और तुरंत दूसरा विपक्ष में सामने जवाब देता है। और इस प्रकार वक्ताओं को अपनी अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। मतलब कि यह एक प्रकार का कंपटीशन भी है। बड़ी बड़ी पाठशालाओं में, कॉलेज में डिबेट कंपटीशन रखा जाता है जिसमें एक विषय दिया जाता है और फिर दो विद्यार्थी या दो समूह आमने सामने उस विषय के पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करते हैं और फिर ये कंपटीशन पूर्ण होता है कि किसका किसकी बात ज़्यादा प्रभावशाली है, उस आधार पर नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी विद्यार्थी मित्रों, ऐसे ही कई विषय आपके सामने रखे गए हैं जिसके पक्ष और विपक्ष को लेकर चर्चाएं की गई है और उनके कई प्रश्नों का समाधान भी किया गया है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ के अभ्यास की शुरुआत करें। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर वाद विवाद करिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे सामने दो चित्र रखे हुए, आप सब इन दोनों तस्वीर को देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर किसकी है? गांव के दृश्य की, और दूसरी तस्वीर शहर के दृश्य की है। तो इस दोनों चित्र के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं और हमें इन प्रश्नों के बारे में आपस में वाद विवाद करना है।
तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न एक, दोनों चित्रों में क्या क्या अंतर है? पहला प्रश्न क्या है कि दोनों चित्रों में कौन सा फर्क है? तो हम देखेंगे, देखो पहला चित्र, तो दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र शहरी जीवन का है। गांव के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। नदी के किनारे कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं और फिर कुछ लोग नदी का पानी भी भर रहे हैं। एक लड़का नदी में क्या कर रहा है? नहा रहा है और कुछ लोग नदी के किनारे बैठकर अपना काम भी कर रहे हैं। गांव में दिखने वाले सभी घर कच्चे हैं, मतलब कि ये जो सारे घर है वो किससे बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं, कच्चे मकान है। गांव के जीवन में सभी तरफ शांति का वातावरण दिखाई देता है, प्राकृतिक शांति है, चारों तरफ हरियाली है और सुंदर वातावरण है। यह है एक गांव का चित्र। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे, तो दूसरा चित्र किसके जीवन को दिखाता है? नगर के जीवन को दिखाता है। नगर में सभी लोगों के मकान पक्के हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सारे मकान हैं वो कैसे हैं? सीमेंट से बने हुए पक्के मकान हैं। और नगर में मकान के साथ साथ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं। सड़कें पक्की और चौड़ी, मतलब कि नगर में बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं जिस पर कई यातायात के साधन परिवहन के लिए जा रहे हैं। नगर का जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण है, मतलब कि नगर में बहुत सारे सुख सुविधाएं, कोई भी चीज की हमें आवश्यकता हो तो वह नगर में पूर्ण हो सकती है और नगर का संपूर्ण जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर है। भले ही यहाँ पर प्रदूषण हो, घोंघाट हो, लेकिन उसका जीवन कैसा होता है? सुख सुविधा से पूर्ण होता है। तो हमने ये दोनों चित्र में कौन कौन सा अंतर है वो देख लिया। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दो, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? तो दूसरा प्रश्न क्या है कि दोनों के जीवन में, गांव और नगर के जीवन में क्या अंतर है और उसमें आपको कौन सा जीवन पसंद है और क्यों पसंद है वो आपको बताना है। तो देखिए, गांव के जीवन में सादगी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी लोग सीधे सादे हैं, कहीं पर भी बनावटीपन नहीं, सादगी से भरपूर है गांव का जीवन। ग्रामीण जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। गांव में लोग शांति से अपना अपना काम कर रहे हैं और चारों ओर हरियाली फैली हुई है, शांति का वातावरण फैला हुआ है, प्राकृतिक सुंदरता होती है गांव में। लोग कच्चे मकान में शांति के साथ रहते हैं, ना ही कोई प्रदूषण है और ना ही कोई शोरगुल है, मतलब कि चारों ओर शांति ही शांति होती है। ऐसा होता है किसका वातावरण? गांव का। और नगर का जीवन सुविधाओं से भरपूर है। नगर में रहने के लिए पक्के मकान है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, परिवहन के लिए कई सारे यातायात के साधन भी शहर में होते हैं। नगर में चारों ओर शोरगुल रहता है, इस कारण नगर का जीवन प्रकृति से विमुख हो गया है, प्रकृति से दूर है। वहाँ पर नगर में कहीं पर भी हरियाली नहीं है, चारों ओर प्रदूषण है, लेकिन फिर भी नगर के जीवन में कई दोष होते हुए भी मुझे नगर का जीवन ही रुचिकर लगता है। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी पाठशालाएं, बड़े बड़े कॉलेज, पढ़ाई के लिए सारे सारी जगह नगर में ही होती है। यूनिवर्सिटियाँ हमेशा शहर में ही होती है, गांव में उसकी सुविधा नहीं होती। नगर में रोजगार की समस्या गांव जितनी नहीं है। अगर हम नगर में रहे तो हमें तुरंत नौकरी मिल सकती है, गांव में नहीं मिलती। नगर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, इसीलिए मुझे गांव के जीवन से ज़्यादा नगर का जीवन उपयोगी और उपयुक्त लगता है। आगे का प्रश्न, प्रश्न 3, क्या तालाब का पानी पीने योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? एक प्रश्न है कि तालाब है, उसका पानी पीने योग्य है या नहीं? तो उसका जवाब क्या होगा? नहीं, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। लोग तालाब के किनारे क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं। कुछ लोग जानवरों को भी पानी में, तालाब के पानी में नहलाते हैं, और कुछ लोग तालाब के पानी में नहाते भी है। तो यह जो सारी गंदगी है वो तालाब के जल को क्या कर देती है? दूषित कर देती है, और यह दूषित जल पीने से बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसीलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। अब इसके आगे के प्रश्न, प्रश्न 1, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुद्दे हमारे सामने रखे हैं जिसके आधार पर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। मतलब कि एक पक्ष वरदान वो विज्ञान के पक्ष में है और अभिशाप वो विज्ञान के विपक्ष में है। तो प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात और ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे मुद्दे हमारे सामने रखे गए हैं। तो विज्ञान हमारे लिए क्या है? तो हम इसके पक्ष के बारे में बात करेंगे, विपक्ष के बारे में नहीं। तो विज्ञान एक वरदान के समान है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का मुख्य पहलू, लक्ष्य और उद्देश्य मानव जीवन के लिए तरह तरह के साधन जुटाकर उसे सुख सुविधाओं से संपन्न और वरदानों से भर देना है। मतलब कि विज्ञान हमारे जीवन को सुख सुविधा से भर देता है। तो विज्ञान हमारे लिए क्या हुआ? वरदान हुआ। विज्ञान की नई नई खोजों ने मानव जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। विज्ञान की कई नई खोजों में सबसे बड़ी खोज है बिजली। बिजली की मदद से ही आज हमारा जीवन प्रकाशित है। बिजली की मदद से ही ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, लिफ्ट तथा अन्य कई सारे साधन बिजली की मदद से ही चलते हैं। इसीलिए वो विज्ञान का एक आविष्कार है और विज्ञान हमारे लिए वरदान है। विज्ञान द्वारा बनाई गई कई मशीनें आज मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने में सहायक हो रही है। टेलीफोन और मोबाइल की खोज करके विज्ञान ने संदेशा व्यवहार के माध्यमों को ही बदल दिया है। मतलब कि जैसे ही टेलीफोन और मोबाइल की शोध हुई कि संदेशा व्यवहार का माध्यम ही बदल गया। लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हजारों मील दूर रहते हुए भी एक दूसरे का हाल वो पूछ सकते हैं।
तो ये किसके द्वारा संभव हो सका है? विज्ञान के द्वारा। कंप्यूटर की खोज ने तो मनुष्य का जीवन ही बदल दिया है, तो विज्ञान की मदद से ही आज मनुष्य कहाँ पर पहुंचा है? अंतरिक्ष में, चांद तक पहुंचने में वो सफल हुआ है। तो ये सारे आविष्कार विज्ञान के हैं कि जिससे आज वह चांद पर भी पहुंच चुका है। तो विज्ञान के इन्हीं सभी आविष्कारों के कारण आज मनुष्य आरामदायक जीवन जी रहा है। तो विज्ञान हमारे लिए क्या है? वरदान के समान है। कई सारी सुख सुविधा विज्ञान के द्वारा हमें मिली है। अतः विज्ञान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए क्या है? वरदान के समान है। आगे का प्रश्न, कौन शक्तिशाली है? कलम और तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम यानी कि हाथ से जो लिखने वाली स्याही होती है, जिसके द्वारा हम लिखते हैं, उसे कलम कहते हैं, लेखनी। और तलवार यानी कि जो युद्ध में काम आती है, उसे क्या कहते हैं? तलवार कहते हैं। तो उन दोनों में से कौन शक्तिशाली है? तो कलम लिखने में काम आती है और तलवार किस में काम आती है? लड़ाई में, युद्ध में काम आती है। कलम के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और तलवार की मदद से दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं। मतलब कि तलवार दूसरों को क्या करता है? भयभीत करता है। अगर आपके हाथ में तलवार है तो आप दूसरों से अपना काम करवा सकते हैं। कलम हमें शांति का संदेशा देती है, हमारे मन में प्रेरणात्मक विचार भर देती है। कलम द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और कई वर्षों तक वो इतिहास रहता है हमारे सामने। कलम में बहुत शक्ति होती है। कलम लोगों के विचारों को बदल सकती है और अन्याय के विरुद्ध लोगों को जागरूक भी कर सकती है। कलम अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। मतलब कि कलम ज्यादा शक्तिशाली, जबकि जो तलवार है वो हमारी रक्षा करती है। तलवार लोगों का खून बहाती है। तलवार की शक्ति कुछ समय तक ही रहती है, जबकि कलम की शक्ति कई युगों तक बनी रहती है। इसीलिए मेरे विचार से तलवार से ज्यादा शक्तिशाली कलम है, जो कई वर्षों तक हमारे सामने जीवंत रहती है। तलवार सिर्फ हमें दूसरों को भयभीत कर सकती है, लेकिन कलम मन के विचारों को बदलने में काम आती है। इसीलिए कलम और तलवार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कलम है। आगे, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। यहाँ पर ब्रैकेट में उदाहरण दिए गए हैं। किसके उदाहरण है? उपसर्ग के। उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे जुड़ता, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, भिन्न, तो उसके आगे एक उपसर्ग लगा गया है, वी, तो क्या शब्द बन गया? विभिन्न। तो इसी प्रकार हमें ये सारे शब्द बनाने हैं और इन कौश में से उदाहरण लेने हैं। देश, तो देश के आगे कौन सा लगेगा? विदेश, वी उपसर्ग लगेगा और कौन सा शब्द बनेगा? विदेश। पका, तो उसके आगे अध, अध पका। गम, तो उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? दूर, दुर्गम। योग, तो उसके आगे कौन सा लगेगा? वियोग, वी उपसर्ग लगेगा और कौन सा शब्द बनेगा? वियोग। उसी तरह से जीव, तो उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? निर, निर्जीव। बल, तो
तो बल के आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? निर, निर्बल। और दूसरा प्र भी लग सकता है, उससे कौन सा शब्द बनेगा? प्रबल। समझ, तो उसके आगे कौन सा शब्द लगेगा? गैर, गैर समझ। सुविधा, तो उसके आगे लगेगा अ, असुविधा। वांछित, तो उस शब्द के आगे भी अ उपसर्ग लगेगा और कौन सा शब्द बनेगा? अवांछित। तो यहाँ पर सारे उत्तर है। देश, तो विदेश। पका, अधपका। गम, दुर्गम। योग, वियोग। जीव, निर्जीव। बल, प्रबल। समझ, गैर समझ। सुविधा, असुविधा। वांछित, अवांछित। उसी तरह उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं और प्रत्यय लगाना है। जिस प्रकार उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, उसी प्रकार प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। जैसे कि नियम प्लस इत, तो नियमित। तो यहाँ पर विदेश, तो विदेश प्लस ई, तो क्या बनेगा? विदेशी। प्रकृति, तो प्रकृति प्लस इत, तो प्राकृतिक। पुत्र, तो पुत्र प्लस ई, तो पुत्री। लापरवाह, तो लापरवाह प्लस ई, तो लापरवाही। चंचल, तो चंचल प्लस ता, चंचलता। यंत्र, तो यंत्र प्लस इक, तो यांत्रिक। मानव, तो मानव प्लस ता, मानवता। और हंस, तो हंस प्लस ई, तो हंसी। तो यहाँ पर उसके उत्तर है, जिसमें मैंने डायरेक्ट शब्द बनाए हैं। विदेश, तो उसका क्या बनेगा? विदेशी। प्रकृति, तो प्रकृतिक। पुत्र, तो पुत्री। लापरवाह, तो लापरवाही। चंचल, तो चंचलता। यंत्र, तो यांत्रिक। मानव, तो मानवता। और हंस, तो हंसी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।